वेलकम टू ऑल ऑफ यू गेम फ्रेंड्स, टेक्निकल रूम में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि काफी बार रिकमेंडेड हुआ कि वीडियो जो आप बनाते हो, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर अभी आपके सामने बोल रहा हूँ और साइड में साथ साथ किस प्रकार एडिटिंग करनी है, यानी कि अगर मैं अपना मोबाइल लेके यहाँ पर उसको रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ और उसकी स्क्रीन जो है वो साइड में किस प्रकार शो होती है, तो इस प्रकार की एडिटिंग कैसे करना है, साथ ही साथ बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और अपना आप लोगो कैसे लगा सकते हो पूरी वीडियो के दौरान, जो कि लगा रहे एक साइड में और प्लस कह लीजिए या फिर अपना पल्स होता रहे वो, यानी कि जगता बुझा जिसको हम पल्स बोलते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना, तो ये सारी एडिटिंग पूरी वीडियो की कैसे करनी है। जो मेन बात है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर अपना सेलफोन ऑपरेट कर रहा हूँ और साइड में वो सेलफोन शो हो रहा है पूरा, वो पूरी वीडियो किस प्रकार ऐड करनी है ये हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप हमेशा यूट्यूब पर मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और देखते रहे लेटेस्ट टेक न्यूज, एडिटिंग और साथ ही साथ कंप्यूटर्स, जीके के संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट की तैयारी है उनसे रिलेटेड भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना बताते चलते हैं कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको पूरा शो करने वाला हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ और किस प्रकार यूज करता हूँ, वो पूरे प्रकार आज समझेंगे। सो फ्रेंड, चलिए कर लेते हैं कुछ नया। मैं हूं सुखपाल सिंह, हमेशा की तरह करें कुछ। जैसा कि हम आ चुके हैं यहाँ पर काइन मास्टर में और अब मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो एडिट करने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक साइड जैसे मैं बोल रहा हूँ और साइड में पूरा का पूरा मोबाइल फ़ोन कैसे एडिट हो जाता है, कैसे जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आता है। तो ये सब काइन मास्टर की हेल्प से आप कर सकते हो। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे और यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से 16:9 का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से काइन मास्टर का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडिया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक तो अपनी सेल्फ जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि कैमरा मेरे जो आपने आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो मोबाइल मेरे हाथ में और मैं उसको चला रहा हूँ सेम इसी प्रकार रिकॉर्ड करके। अब वो रिकॉर्डिंग अपने साथ में सिर्फ जोड़ना है, तो यहाँ पर मैं मीडिया पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, सपोज लिए मैं ये ले लिया। अब इस बैकग्राउंड की जो लेंथ है, जो नीचे आप देख रहे हैं येलो कलर के बॉर्डर आ रहा है, तो इसको आप पकड़ के कितना भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपका वीडियो कितना लेंथी है कितना लंबा है उस हिसाब के साथ। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको 2 मिनट तक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद इसको और लंबा भी कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे और इधर M जहाँ पर मेरा रिकॉर्डर साइन है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप देखते हैं बिल्कुल ऊपर जहाँ पर BG05 लिखा है, राइट का निशान है, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा लेयर, तो लेयर पे सिंपली आप क्लिक करोगे और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है मीडिया का। अब मीडिया पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा जो कि यहाँ पर एडिट करना है। तो आप देख सकते हो ये जो वीडियो है ये मैंने आज बनाया है, तो इसको मुझे आज एडिट करना है। अब सिंपली इसको मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको जैसे वीडियो को ओके करोगे तो ये ऑप्शन सारे अपने आप आ जाते हैं। अब क्रॉपिंग का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और उतना ही क्रॉप कर लेते हैं जितना कि हमें इसका नीड है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को कर लिया क्रॉप हमने। अब इस वीडियो को मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ इस पूरे फ्रेम में, तो यहाँ पर ये मैंने सेट कर लिया। अब फिर से ऑप्शन में चलते हैं क्रोमा की पे, क्रोमा की पे जाने के बाद इनेबल करते हैं इसे। इनेबल करने के बाद आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पर की कलर के पास में डिटेल कर्व लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को सेट करते हुए अपनी पिक्चर को पूरा रूप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर सेट हो चुका हूँ, बैकग्राउंड जो है वो मेरा हिडन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, राइट पे क्लिक कर देना, प्ले करके देख लेते हैं एक बार इसको कि सही हो रहा है प्ले या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आराम से यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर कंफर्टेबल हूँ, प्ले हो रहा हूँ।
अब सिंपली करना क्या है, जब मैं अपना मोबाइल स्टार्ट करूँगा तभी मेरे को वो रिकॉर्डिंग लगानी है जो कि मैंने मोबाइल चलाते समय की, अपने मोबाइल स्क्रीन में की। अब मुझे उस रिकॉर्डिंग को एज इट यहाँ पर लगाना है, पूरी की पूरी एक और वीडियो को यहाँ पर सेट करना है। तो अब देखते हैं कि कब मैं मोबाइल अपना फ़ोन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सिंपली वहीं पर मुझे स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मैं थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ अपना। तो जैसे ही मैंने बोला कि जैसा कि आप यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे, अब यहाँ पर मैं एडिट अपने मोबाइल की स्क्रीन लगा देता हूँ जो मैंने मोबीजोन में रिकॉर्ड करके रखी है पहले से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोबाइल की स्क्रीन का इंटरफेस जो है वो आ गया है। ये थोड़ा सा लोडिंग में यहाँ पर टाइम ज़रूर लेगा। ओके, तो ये हो गया रिकॉर्ड यहाँ पर। अब मैं इसको एडिट यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके जी, ओके, अब इसको राइट कर देते हैं। अब इसको प्ले कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं एक चीज यहाँ पर नॉर्मली हो रही है कि ये जो है दोनों का साउंड आ रहा है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ मोबाइल वाले पे और इसका जो साउंड है उसको हम बंद कर देते हैं। कहाँ से शुरू से करते हैं, चलो यहाँ से इसको म्यूट कर देते हैं इसके साउंड को। तो वॉल्यूम इन वॉल्व पे जाना है और इसको ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद इसको राइट कर देना है। अब इसका जो साउंड है वो नहीं आएगा, देख पा रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर में। ठीक है जी, अब ये हो गया प्ले स्टोर में, हो गया यहाँ पर पूरा। तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया पूरा मेरा एडिटिंग। सो फ्रेंड्स, ये है पूरा प्रोसेस। अब इसमें मैं लोगो भी लगा सकता हूँ अपना। ओके, कहीं से भी कुछ भी आप लोगो लगा सकते हो, अलग से आप मेंटेन कर सकते हो। हालांकि मैं वॉइस इसका म्यूट करता हूँ। अब मुझे ये स्क्रीन लग गया मेरा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, सिंपली सबसे पहले मैं देखता हूँ ये कितना एरिया कवर करता है। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो भी लगा लेता हूँ। चलिए चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। अब चैनल का लोगो किस साइड देना है मुझे, आज इस साइड देना है। तो यहाँ पर चैनल का लोगो मैं दे देता हूँ। ओके, ये हो गया चैनल का लोगो। अब इस चैनल के लोगो को मैं लेंथ बढ़ा दूँगा, इधर भी और दूसरी साइड भी। तो ये मैंने लेंथ बढ़ा दिया इस साइड, और इस साइड भी लास्ट तक बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरे वीडियो में इसी प्रकार लगा रहेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का हमने फ्रेम लिया था यानी कि बैकग्राउंड लिया था वो कम पड़ गया। यहाँ पर बैकग्राउंड को भी हमें लेंथ ही करना है, यानी कि जहाँ तक हमारी वीडियो है वहाँ तक हमें बैकग्राउंड सेट करना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो टीके का लोगो हमने यहाँ तक लगाया इसको भी लास्ट तक हम सेट करेंगे ताकि वो पूरी वीडियो में आता रहे। अब सिंपली मुझे सर्च करना है कि मैंने कहाँ बोला था कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोनों वीडियो यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सब्सक्राइब का बटन। ओके, ये ले लिया हमने सब्सक्राइब का बटन, इसको ले लेते हैं यहाँ पर कॉर्नर में। ओके, और इसको
यहाँ पर हम लेयर दे देते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि पूरा एडिटिंग अगर आपको सीखना है तो इसको आपको देखना होगा एंड तक। अब दोनों इन और आउट का इसको हमने यहाँ पर दे दिया ऑप्शन। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। तो सिंपली आपने देखा, अब यहाँ पर इसको हम बैक करेंगे। बैक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट का, इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दे देगा हमें कि आप ये वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने बाय कर रखा है सॉफ्टवेयर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर नहीं किया है तो नो थैंक्स एक्सपोर्ट विद वाटरमार्क पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस वीडियो एडिटिंग का। मिलता रहूँगा इसी प्रकार की टेक न्यूज़ टेक वीडियोज़ के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।